ये तो सबसे आप सबको भी जरूर पता होगा पेरेंट्स बोलते थे हमारे टाइम पे हम लोग वो कितनी दूर दूर पैदल स्कूल चल के जाते थे नदियाँ पार करके जाते थे पता नहीं कहाँ कहाँ से जाते थे और एक और चीज़ आगे जाके मैं बड़ी एक्ट्रेस बन जाऊँ तो हर टाइम मीडिया घर के बाहर निकली मीडिया घर के अंदर जा रही हूँ मीडिया तो वो चीज़ मुझे थोड़ी लगती है ऐसे किसी को नहीं स्टॉक करती बट जैसे को अच्छा ही कोई रील देखो अच्छा ये क्या उसकी पूरी आईडी चेक आउट कर लूंगी इसको ही स्टॉकिंग कहते हैं वैसे हाँ, एक चीज जरूर बता सकती हूँ कि मैं अमेरिका का टैलेंट में गई थी यस एज अ सोलो कंटेस्टेंट Arshia thank you so much for joining us on our podcast today welcome We are very excited to get to know you. Yes, मैं भी बहुत excited हूं आपके सारे सवालों का जवाब देने आर, के लिए और हम तो सवाल निकाल ही लेंगे जवाब भी आ ही जाएंगे जवाब तो आ ही जाएंगे. जाएंगे You know, but before I start this, स्टार्ट दिस अभी मैं आपकी जब मदर से मिला उन्होंने मुझे जम्मू की बहुत अच्छी बातें बताई तो हम ना थोड़ा सा टाइम को रिवर्स कर देते हैं यू हैव ग्रोन अप इन जम्मू क्या मेमोरीज हैं आपकी एज अ चाइल्ड इन दैट माउंटेंस एंड दैट एग्जॉटिक लोकेशन एक्चुअली जम्मू बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट है तो अपनी वैसे अपना घर तो सबको पसंद होता है बट हाँ आप भी अगर आओगे तो आपको भी जम्मू बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पे जब भी मैं रहती हूँ वहाँ का हमेशा मौसम अच्छा ही होता है बट ऐसा नहीं है वहाँ पे गर्मियों के टाइम पे गर्मी भी बहुत होती है और सर्दियों के टाइम पे सर्दी भी बहुत होती है बट अभी जब गर्मियों का मौसम है अभी वहाँ पे बारिश हो रही है अच्छी 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 हवा चल रही है मतलब ऐसा होता है ना जब सर्दियां खत्म तो कंबल वगैरह सब सर्दी वाले कपड़े पैक करके अंदर डालते हैं और गर्मी वाले बाहर निकलते हैं अब अंदर डल चुके थे सर्दी वाले बट वो सारे फिर से बाहर आए हैं क्योंकि जम्मू में फिर से मौसम चेंज हुआ है और बारह महीने गर्मी रहती है यहाँ पे में तो हर टाइम गर्मी रहती है यहाँ पे सर्दी भी थी ना जब मतलब आप सबको सर्दी जब लगती थी हमारे लिए वो अच्छा स्प्रिंग वाला मौसम था और हम देख रहे थे यहाँ पे ठंड लग कैसे सकती है लोगों ने आप वेलकम टू मुंबई देखिए अब सब जगहों के कुछ प्रो और फ्लिप साइड होते हैं बट अच्छा इसके अलावा मुंबई की लाइफस्टाइल और जम्मू की लाइफस्टाइल में क्या डिफरेंस आपको लगता है मुंबई एक जीती जागती सिटी है ऑल टाइम मतलब ऑल टाइम वर्किंग सिटी है और जम्मू एक शांत मतलब वहाँ पे भी काम होते हैं ऑब्वियसली होते हैं बट वो एक लिविंग सिटी है वहाँ पे लोग जीते हैं जैसे हम अब मैं अपनी फैमिलीज को बहुत मिस करती हूँ मतलब हमारे बहुत सारे लोग हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं मैं मेरी मम्मी मेरे पापा मेरी दादी मेरी बुआ फिर मेरी ताई ताऊ उनके डॉटर फिर मेरे बड़े पापा मेरी बड़ी मम्मा उनके मतलब उनका सन और डॉटर तो बहुत सारे लोग थे तो हर टाइम भाग दौड़ ऊपर नीचे चीचा चूचलता रहता था बट अब इधर मैं और मेरी मम्मी अकेले हैं तो फिर बहुत सन्नाटा होता है

पल बिताते हैं जो आज भी यादगार होते हैं एक्चुअली बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो स्कूल के बाद मिलते हैं बट right. मैं आज तक कभी भी अपने फ्रेंड्स से स्कूल के बाद नहीं मिली हूँ ऐसा है मेरा क्योंकि घर पे ही इतने लोग हैं हम घर पे ही रहते थे और मेरा बचपन से यही डांसिंग एक्टिंग वगैरह का एक्टिंग तो अभी अभी चालू ही है बट बचपन से ही मेरा डांसिंग का चल रहा है तो स्कूल के बाद भी मेरी बिजी लाइफ ही होती थी जिमनास्टिक्स करती थी डांसिंग करती थी तो मैं अपना बचपन इतना इन्जॉय नहीं कर पाई हूँ

तो वैसा टिपिकल मैंने नहीं वैसा जैसा होता है, मतलब right. है, है गलियों में खेल रहे हैं भाग रहे हैं बट पता है, है, है जम्मू से यहाँ तक आना भी एक अपने आप में ड्रीम है Dream. काफी स्मॉल टाउन ऐसे होती है जिनको शहर आना है बड़े शहर में स्पेशली एक्टिंग फील्ड में जो इतना आपको आपकी फैमिली से वो सपोर्ट मिला हाउ ओपन माइंडेड एक्चुअली मुझे मेरे पेरेंट्स से बहुत सपोर्ट मिला उन्हीं की वजह से मैं अभी यहाँ पे हूँ और ओपन माइंडेड तो हैं वो मतलब ओपन माइंडेड नहीं होती तो, मैं तो हाँ नहीं होती है ओपन माइंडेड तो, तो है बट इतने भी ओपन नहीं कि ओपन ही ओपन जितना होना चाहिए उतने ओपन है।, है जितना जरूरी है उतने ओपन है क्योंकि मतलब फिर अब हम लोग जम्मू से है सिटी ऑफ टेम्पल्स कहते हैं जम्मू को और हम शर्मा है

तो 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 ये भी तब आया था था जब हम standard में थे। तो I think आपने तो वो प्री वाला देखा नहीं होगा। कभी ऐसा कुछ है है उस पे क्या होता था, कैसे जैसे मम्मी बताती और एक्चुअली अभी भी स्कूल्स में हमसे एप्लीकेशन लेटर्स तो लिखवाते ही हैं तो वहां हम पुराना जमाना एक्सपीरियंस कर देते हैं बट मुझे फोन के बिना भी कम से कम एक दो दिन के लिए मुझे पुरानी लाइफ जीनी है क्योंकि तब फिर हम कितना बात कर पाएंगे मतलब आपसे में कितना खेल पाएंगे मुझे वो देखना है कि फोन के बिना सब चीजें कैसे होती थी ऐसे अभी हम फ्री होंगे तो क्या करेंगे फोन है चलो फोन देख लो right. तब हम फ्री होंगे तो चलो दोस्तों के साथ खेलते हैं बाहर ये सब तो मुझे वो भी इंजॉय करना है तो अगर वो टाइम में आपको वापस भेज दिया जाए तो खेलने के अलावा और क्या क्या करने वाली है? खेलूंगी कौन सा गेम एक संतोलिया है आपको क्या आता है

फिर जब तक हमने पत्थर फेंकना है तब तक वो लोग हमें फेंकने नहीं देते थे वगैरह वगैरह बाकी सब लगा लेते थे बट अच्छा चलो हर हर का ना एक प्रो होता है साइड होता है अच्छी भी होती, भी, होती। भी होती है बुरी भी होती है ऐसी कोई चीज है जो आपको लगता है उस टाइम पे जब आपको बोलते हैं ना कि हमारे जमाने में ये होता था कोई ऐसी चीज जो लगता है बड़ी वियर्ड थी उस टाइम की जो आज नहीं होती ये तो सबसे आप सबको भी ज़रूर पता होगा पेरेंट्स बोलते थे हमारे टाइम पे हम लोग वो कितनी दूर दूर पैदल स्कूल चल के जाते थे नदियां पार करके जाते थे पता नहीं कहाँ कहाँ से जाते थे और एक और चीज़ पढ़ाई एक्चुअली अभी मैं एक्टिंग वगैरह कर रही हूँ तो स्कूल बहुत कम जा पाती हूँ मैं सेल्फ स्टडीज़ करती हूँ और मम्मी मेरे को बिना पढ़ाई के तो रहने नहीं दे सकती अगर कुछ लोगों को लगता है कि मतलब ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं तो इनकी पढ़ाई ऐसा नहीं है पेरेंट्स बिना पढ़ाई के तो रहने नहीं देते तो पूरा टाइम पढ़, पढ़ पढ़ जब भी फ्री हो फ्री है पढ़ 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 पे आपने वो भी तो मतलब डायलॉग था हाँ मेरे पास पता है पढ़ाई के लिए नहीं था मैं स्ट्रीट लाइट के नीचे जाके पढ़ता कौन आके चेक कर रहा है आपको जरूरी था पढ़ना दिन में पढ़ लेते मोमबत्ती खत्म हो गया मोमबत्ती की क्या बात होती है हाँ ये बात है थोड़ा कोई कोई बोलते थे ना हम पानी लेने के लिए कोसों हाँ, दूर जाते कोसो थे दूर ए, जाते थे स्कूल तैर के जाते थे पूरे गीले हो जाते थे पाँच पाँच मील चलाओ मैं हाँ। किताब लेके और तुम कदर नहीं करती हो पढ़ाई की हाँ वो थोड़ा मुझे भी लग रहा है कि काफी ड्रॉबैक था मेन तो यही है मेन तो ये बट ना और एक और है हमारे टाइम पे मतलब अभी पेरेंट्स से तो हम बहुत खुल के बात करते हैं हमारे टाइम पे पापा आए हम ऐसे कोले में छुप के बैठ जाते थे पापा जैसे ही आते थे हम लोग क्योंकि ये पर्सनली मेरी मम्मी मुझे बहुत मतलब जैसे भी हम दोनों की कभी भी अगर लड़ाई हो हाँ। मतलब कभी भी कुछ, किसी भी किसी बात पे पे अगर हो हाँ। तो मम्मी बोलेगी मेरे जब पापा घर आते थे ना हम लोग अलमारी के पीछे से बाहर नहीं निकलते थे और तुम मेरे सामने खड़ी कैसे मुझे समझने आ रहा तो ये गलतियां करी वो हम जरूरी थोड़ी ना अरे मैं तो वही कह रही हूँ अब तो जनरेशन चेंज हो चुका है उसी बात हमारी भी हो गई कि कि चेंज ऐसा बोल रही है 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 तो तो ऐसे जब होता होता फैमिली के साथ थोड़ी अनबन होती होती डिसएग्रीमेंट तो ये कैसे होती है? मतलब एक दूसरे को प्रूफ करके नहीं यू झगड़ा हुआ पहले तुम बोलो, या फिर बोलते नहीं, लेट हमारी तो थोड़ी देर से हम दोनों का झगड़ा हुआ थोड़ी देर झगड़ा होगा मम्मी बात ही नहीं करेगी नहीं।, नहीं मैं बोलती रहूंगी मम्मी नहीं 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 जब तक मैं सॉरी भी बोल दूं अच्छे से सॉरी बोल अच्छे मैं बोलू बोल, सॉरी नहीं नहीं फीलिंग के साथ अच्छे से एक दिन मैंने क्या किया पूरा भरा डांट दिया सॉरी माता जीरी आगे से मैं ऐसा नहीं कर ये अच्छे से होता है और बदतमीजी फिर से बात नहीं बस मैं आई सपोर्ट हंटी नो

उधर खुल के बोल सकते हैं हम तो आदत है अभी जोर से बोलने की तो बाहर लोगों को पता भी चल जाता तो हमारे सामने वाली आंटी आएगी और क्या कर रहे हो वगैरह तब मम्मी जाएगी फिर मेरे को मौका मिलता है मम्मी से बात करने का मैं भी ऐसे हाथ रखती हूँ क्योंकि तब फिर मम्मी कुछ बोल ही नहीं पाती फिर आंटी के घर जाते हैं पीछे मिलना बोलो फिर एक बार बात शुरू हो जाती है फिर शुरू हो जाती है एक गवा तो है ना मेरे सामने <laughs> एक गवा तो है जब मेरे बिना पे <laughs> बोलेगा कोर्ट ऑफ लॉ के हिसाब से ये अच्छा है मम्मा अब बोलो अब हाँ। बोलो और नहीं तो आंटी क्या हो गया तो दे

मतलब अच्छी अनबन होती है क्योंकि हाँ अगर अनबन नहीं होगी तो इंसान बोर ही हो जाएगा हंस कितना ही कोई कितना ही हंस सकता है जब तक लड़ाई नहीं होती ना तब तो तक लाइफ में मजा नहीं आता पड़ोसी भी बट हाँ में में कुछ करनी जो चार दिन से आवाज हाँ, नहीं रही लड़ाई करो थोड़ी तो अगर आने वाली जनरेशन पे डिपेंड करते क्योंकि देखो अब मैं खुद के लिए तो मैं बहुत अच्छी हूँ अब वो आपको मेरी मम्मी से ही पता चलेगा कि उन्हें मैं कैसी लगती हूँ बट मेरे हिसाब से मैं थोड़ी स्पिरिचुअल भी हूँ डिटी टाइप की हूँ तो मैं इस जेनरेशन से जेनरेशन Gen से अभी इतना फिट नहीं होती हूँ जनरेशन really? yes. तो से आके हाँ क्योंकि मैं जेनजी से इतना फिट नहीं होती हूँ मिलेनियल से तो कहीं से नहीं करती हो मिलेनियल्स तो अलग ही लीग है मिले हाँ, हाँ तो मैं मतलब मैं भगवान की भक्त हूँ पूजा पाठ करती हूँ ठीक है वैसे तो मेरे घर में करते हैं तो मैं भी करती हूँ पहले पता है मैं बहुत चिकन खाती थी और फिर मैं राधा कृष्ण की भक्त बनी वैसे भगवान ने मुझे नहीं कहा कि छोड़ो फिर खुद से ही मन में आया कि चिकन छोड़ देती हूँ मैं वैसे टाइप की हूँ तो यस

एक मम्मी डिसाइड Final. करेगी कि ये मतलब कर लो तो मैं वैसे चॉइसेस नहीं बना पाती हूँ तो, तो मतलब... फिर जो भी मतलब पेरेंट्स का डिसीज़न होता है मेरे लिए ओके okay ही होता okay. है वो और मेरे पेरेंट्स तो बहुत अच्छे हैं मतलब वो कल्चरल भी हैं और ओपन माइंडेड भी हैं

वैसे तो मैं भी बहुत करती हूँ हाँ। क्या है मेरी मम्मी को सुबह उठना और उठाना बहुत पसंद है सुबह. मतलब मतलब खुद सब और कोई तो तो है नहीं मैं ही घर घर में में पता चला में तो मतलब ऐसा है हमारा फ्लोर टाइप बिग बॉस का होता है बस्ती उठ जाओ सुबह हो गई है नाश्ते के लिए तो वैसे हमारे घर में तो सब लोग ही जल्दी उठ जाते हैं मतलब बड़े लोग बच्चे नहीं उठते बच्चों में आई गेस जो स्कूल नहीं जाते उनमें बच्चे हैं आपके लिए ओके ओके गो ऑन आई लाइक दैट वो बच्चे स्कूल नहीं जाते अरे तो मेरे भाई बहन है तो अब उन्हें कैसे वैसे करूं मतलब क्या टाइटल दूं मुझे समझ नहीं आ रहा छोटे, छोटे। है हाँ, छोटे। हाँ, वो नहीं उठते हाँ। बाकी बड़े लोग सब उठ जाते हाँ। मेरी ताई ताऊू जी दादी ये सब उठ जाते जल्दी हाँ। तो वो एक आदत है इधर भी अगर मेरा रात को चार बजे भी सोऊं सो तब भी मेरी मम्मी मुझे सुबह नौ बजे से पहले उठाएगी उठाएगी कि भाई तू नाश्ता करके सो जा चाहे बट ये बहुत सही चीज है एक्चुअली हाँ. अब मुझे पता क्योंकि पहले मुझे जब उठाते थे मैं बहुत चिड़चिड़ी नहीं उठना मुझे क्योंकि बट अब धीरे धीरे जब पता चल रहा है कि ये बहुत अच्छी चीज है तो मेरे साथ वही हो रहा है मेरे साथ पहले बहुत ऐसी चीज़ें होती थी, थी कि जब मम्मी बोले मैं मना कर देती थी बट जब धीरे धीरे पता चल रहा है कि वो सही चीज़ है कबूल है फिर अब कम होती है पहले करते थे नहीं नहीं, नहीं, हाँ, नहीं हमारा मुझे पहले बिल्कुल नहीं पसंद था कि हाँ। मैं रात को तीन बजे भी सो रही हूँ फिर भी मम्मी मुझे आठ बजे उठा देती है क्योंकि एक बार उठ जाओ फिर नींद नहीं आती है मुझे मुझे नाश्ता खाने के बाद तो किसी को नहीं, नहीं, आते। नहीं आते। वो ब्रेक तो हो का खाना खाने के बाद बहुत अच्छी है है ये तो उससे आप चांस मिले और उस पुरानी जनरेशन में मौका मिले जाने का वहां पे बॉर्न हो रेज होने का तो वो प्रेफर करोगे और करना भी कौन सी जनरेशन चॉइस

घर आएंगे चार बजे ट्यूशन आठ बजे आएंगे फिर घर पे सेल्फ स्टडीज करके सो जाए right. हमारा कोई स्केड्यूल ही नहीं है कॉल टाइम जब कॉल टाइम वो हमारा स्केड्यूल है इस टाइम पे और आई गेस उन लोगों के हिसाब से उनकी लाइफ डिफ़िकल्ट होगी बट हमारे हिसाब से वो लाइफ इजी है यस yes, क्योंकि वो लोग स्कूल में पढ़ाई को छोड़ के तो बहुत ही मज़े होते हैं

हंसते रहते थे बस हंसते रहते थे मैं और मेरी फ्रेंड तो मतलब टीचर पढ़ा भी रही है तब भी हम लोग का चालू था फिर जैसे ही पीरियड खत्म हुआ फिर हल्ला उल्ला गेम्स के पीरियड में कितना मजा आता था

तो मैं और बड़ा के बताती सब करते तारीफ हो करेंगे कोई ना कोई दो टीचर तो होगा ही वैसा जो पूरी क्लास के सामने वो कैसे मैनेज कर रही है तब मैं भी बोलती हूँ की मतलब पूरे चौबीस घंटा मैं वो करती हूँ बिल्कुल टाइम नहीं भी होता मैं फिर भी पढ़ाई करती हूँ प्रैक्टिस करती हूँ

ऐसा नहीं कि मेरी वजह से नहीं नहीं, वो जैसे तुमने क्या तुम्हारे बर्थडे के टाइम पे क्या होता है हाँ। जानबूझ के स्कूल वाले एग्जाम करते हैं ट्वेंटी अगस्त आया मतलब उस दिन एग्जाम होनी है नहीं तो, ऐसा मेरे आज तक कभी मेरे बर्थडे के टाइम एग्जाम नहीं आया नहीं आज तक मेरे बर्थडे के टाइम कभी एग्जाम नहीं आया टचवुड 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 टीचर्स आई होप यू आर लिसनिंग नाउ प्लीज मेक अ नोट हां तो क्या बोल रही थी मैं हां पिकनिक

आ, तो 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 हाँ। किसको पता है काम ही कर रहे, कर हाँ। रहे हैं आ, काम हाँ। आप है हाँ। के के दिन अभी जाने लिए बिग पीपल है बिग Actually, तो मैं तो वो उन लोगों को चाहिए हमारी लेकिन हम लोग उन लोगों की लाइफ में हैं। कोई भी मतलब कोई भी इंसान जैसे आप अब चाहते हो ये बन जाऊं फिर मैं चाहती हूँ कि मैं बड़ी हो जाऊंगी तो कितना ही सेटल्ड है लाइफ तो वो तो होता ही है हर इंसान अपने से आगे या पीछे पास कि आप इस एज में you're working, you're making money, कभी उसका कुछ प्रेशर लगा Who your finances, by the way? आप देखते हो या मम्मी देखती मैं अगर देखती होती फिर तो भूल ही जाओ तो अभी तो मम्मी पापा दोनों ही देखते है क्यूँकी अगर मेरे पास आया तो वैसे तो मैं इतने खर्चे नहीं करती

अभी मेरी लाइफ इजी है जब मैं डांस करती थी टिपिकल तब मेरी लाइफ सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी कोविड में मेरी लाइफ सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट थी क्योंकि जब सब लोगों ने घर बैठ के ऐसे आराम किया है आराम से ऑनलाइन बेड पे क्लासेस लगाई हैं तब मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की है मैं पूरा पूरा दिन छत पे डांस करती थी दिन रात हवा आंधी जो भी हो मैं डांस करती थी करती थी करती थी सिर्फ करती थी सिर्फ करती थी और कुछ और नहीं कुछ देखती नहीं। थी सिर्फ करती थी तो अगर मेहनत मिलेगा बहुत लोग सोचते हैं कि बाद, लोग कि बाद में करेंगे बाद में करेंगे तो वो बाद में का बाद में ही हो जाता है कहा ना कुछ पढ़ाई या कुछ सर तो नहीं पीटना है डांस है तो कम से कम उसका रिवॉर्ड मिलेगा लाइफ देख रही है ना मीडिया इंडस्ट्रीज देख

हर टाइम मीडिया ऊपर क्यों रहती है हमारे मतलब अगर टचवुड में बन जाऊँ अगर आगे जाके मैं बड़ी एक्ट्रेस बन जाऊँ तो हर टाइम मीडिया घर के बाहर निकली मीडिया घर के अंदर जा रही हूँ मीडिया तो वो चीज़ मुझे थोड़ी लगती है बट हाँ वो भी अच्छा है of course, अच्छा जितना आप मीडिया से कनेक्ट होगे उतना ही लोग आपको जानेंगे true, true, तो true. मीडिया एक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है Correct. तो उसे बुरा नहीं बोलना चाहिए yeah, नहीं स्मॉल टाउन से आके यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी बनाना जिसके लिए आई थिंक लोग काफी एफर्ट लगाते हैं आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट कोर्स ऐसे कोई एक्टर्स हैं जिनको आप लुकअप करते हो कि ये लोग हैं अगर मुझे कल कोई इस फील्ड में है यहाँ पहुंचना है तो दिस इज द बेंच मार्क फॉर मी ये एक्टर्स मुझे बड़े इंस्पायर एक्चुअली मैं किसी एक ये मैं थोड़ा ज्यादा ही बोल दूंगी अपनी एज के हिसाब से बट हाँ क्यों मैं किसी... सरप्राइज भी नहीं होंगे ज़्यादा बोल दिया एज के हिसाब से नाउ यू यू नो तो मैं किसी एक पे नहीं करती क्योंकि अगर एक को मैं रखूंगी तो शायद मेरा बेंच मार्क रुक जाएगा तो मैं बहुत सारे लोगों से इंस्पायर होती हूँ ताकि वो बहुत सारे बन के बहुत ऊंचा बेंच मार्क रहे क्योंकि अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान से इंस्पायर होंगी तो शायद मेरा बेंच मार्क एक जगह पे रह जाएगा right, right. तो मैं अपने बेंच मार्क को रोकना नहीं चाहती मैं सिर्फ उसे ऊंचा जाना देना चाहती हूँ

खेल नहीं पाती क्योंकि लोग नहीं है मेरे पास खेलने के लिए तो फिर सीधा हाँ। तो फिर मेरे को रील्स ही देखनी पड़ती है फिर मम्मी भी बहुत परेशान हो जाती है कि कितना फोन देखती है जब देखो फोन ही देखती रहती है तो पर अब क्या करें आज की जनरेशन के हिसाब से हमारी गलती नहीं है वो हाँ। जनरेशन वाले आजकल रील्स में पड़े हुए हैं ऐसे कुछ देखा हो आपको एक चीज बताऊ दो बताओ मैं वेब सीरीज नहीं देखती भी नहीं देखता। <laughs> देखो मैं कितनी मतलब, कितनी मतलब मतलब में तो बिल्कुल नहीं आती नहीं। क्योंकि खोल के नहीं देखा है मैं कोरियन ड्रामाज भी नहीं देखती मैं चाइनीज ड्रामाज भी नहीं देखती मैं कोई भी ड्रामाज नहीं देखती हम ड्रामा में तो जी रहे हैं क्या ही देखे आपको में रहे तो सिर्फ रील्स देखती जिसमें सबसे ज्यादा वराइटीज़ है एक्चुअली right. किसी भी कोई भी मिल जाएगा रील्स आपको इंडिया के कोने से लेकर अमेरिका के कोने तक पहुँचा देती है

तो ये मार्केट में नया है अच्छा जानता है मेरे बारे में नहीं तो मैं बताती हूँ अब तुमने दिन जानी अब मैं दो डालूंगी वो तो ना पंजाबी में तू ये गाड़ी लेके आया अब देख मैं तेरे से बेटर वाली गाड़ी तेरे सामने लेके आया <laughs> नया आया है ना मार्केट में और इनफैक्ट आई थिंक आप थिएटर भी देखते हो अभी आपने दीपिका के साथ थिएटर देखा था तो yes. वो कैसा एक्सपीरियंस था कैसा थिएटर देखा दीपिका मैम ओडीसी डांस करती हैं तो उनकी जो गुरु हैं वो उड़ीसा से आई थी जिनकी स्पेशल परफॉर्मेंस थी क्योंकि मैं इंडियन डांस से भी एक्चुअली बहुत कनेक्टेड हूँ बट इंडियन डांस को सीखने के लिए बहुत टाइम चाहिए क्योंकि वो एक कला है वो एक पूजा है तो उसको सीखने के लिए टाइम चाहिए मेरा सीखने का बहुत मन है तो मैं अब एक बार शुरू करूँगी तो उसी में लगे रहना पड़ेगा तो मैं वो टाइम ज़रूर ढूँढूँगी क्योंकि मुझे सीखना है तो मेरे को खुद से बहुत इंटरेस्ट था दीपिका मैम को मतलब अच्छा लगा कि मैं उनके साथ चल रही हूँ तो फिर मैं उनके साथ ओडिसी डांस का थिएटर देखने गई थी so, you know, दीपिका मैम की जैसे बात करें ऐसे आपके जो को एक्टर्स हैं जो स्टार्स भी हैं कुछ ऐसी लर्निंग्स या टेकअेज आपने उनसे लिए हूँ एक्चुअली दीपिका मैम भी हैं जो मुझे बहुत सिखाती हैं और सब एक्टर्स जैसे जो सीरियल में मेरी दादी हैं कुसुम जी hmm. वो भी मतलब बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं वो कितने टाइम से काम कर रहे हैं उन्हें एटीन ईयर्स हो गए हैं इंडस्ट्री में तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो मुझे बहुत सिखाते हैं और मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद है कि उर्वशी मैम मुझे सिखाती हैं और दीपिका मैम मुझे सिखाती हैं तो वो तो जो मुझे सिखाए अच्छी चीज़ वो तो मुझे उन्हीं के पास भेज देते हैं और अब मम्मी ऐसे मुझे अकेले कहीं नहीं जाने देती हैं तो लेकिन इस बार मम्मी ने मुझे दीपिका मैम के साथ जाने दिया वर्कशॉप अटेंड करने क्योंकि उन उनको ट्रस्ट है वो जानती हैं कि वो अगर उनके साथ जाएगी तो कुछ अच्छा ही अच्छा सीख के आएगी तो अगर एक क्वालिटी आपको लेनी हो इन दोनों मैम्स में से क्या लोगे एक्चुअली उर्वशी मैम का तो मुझे नेचर बहुत अच्छा लगता है वो बहुत स्वीट है जिनका जितना उनका कड़क कैरेक्टर है उसके पूरे अपोजिट है वो बहुत स्वीट है

ना बिठा हाँ। वो ऐसा कह रही थी, आपने कुछ मार्क हाँ। <laughs> <बहुत है> <laughs> तो ऊपर you know, का का तो कर दिया है बट पर्सनली फॉर यू आपको कैसे लगती Actually, अभी तो सक्सेस का रास्ता चालू हुआ है सक्सेस का कोई एंड नहीं है जितना लाइफ में मेहनत करोगी उतना सक्सेसफुल होते जाओगे एक्चुअली मैं बहुत 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 ऐसी बातें कर रही हो हाँ, तो क्योंकि मतलब सक्सेस तो

ऐसे मैं बहुत एक्टिव हूँ बेफालतू के बे काम करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ बट कोई काम का काम करने के लिए मैं बिल्कुल आलसी हूँ मतलब बहुत आलसी हूँ जब कोई काम का काम होता है ना इधर आने से पहले भी मम्मी बोल रही हैं हो जा तैयार लेट हो जाएगी हो जा जल्दी हाँ हो जाऊँगी अरे मेरे को कितना ही टाइम लगता है पाँच दस मिनट में हो जाऊंगी तो अगर यहाँ पे छः बजे मुझे पहुंचना था तो मैं कोई आ, फोर फिफ्टी फाइव या पांच बजे तैयार होना शुरू सोचा की मैं सोच हो, चलो हो ही जाती हूँ अब बहुत टाइम हो गया है और मेरी मम्मी मुझे चार बजे से बोल रही है हो जा तैयार लेट हो जाएगी फिर भी मैं पाँच बजे उठी हूँ तैयार होने के लिए और फिर जब एक बार मैं तैयार होना शुरू कर लेती हूँ फिर मुझे टाइम लग जाता है आराम से आधा घंटा में क्योंकि मैं बहुत स्लो स्लो चीज़ें करती हूँ कपड़े भी अगर निकालूँगी ऑप्शन तो सिलेक तो ही सिलेक्ट करेगी क्या 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 और एक्चुअली मेरी मम्मी से पूछा मैंने क्या पहनू उन्होंने बोल दिया कि ये पहन ले ठीक है ये ये उन्होंने ही डिसाइड किया नहीं, नहीं मुझे वो ही पहनना है मुझे वो नहीं पहनना है मतलब मम्मी जो पहली बार बोलेगी मैं वो कभी नहीं पहनूंगी नहीं मैं देखती हूँ कुछ देखती रही देखती रही कुछ नहीं मिला आज आहना मैंने यही तो वही कुछ देखने में मैं बहुत टाइम वेस्ट कर देती हूँ तो दस पंद्रह मिनट मैंने उसी में वेस्ट कर दिया फिर आ जाके यही पहना मम्मी बोली आ गई लाइन पे फिर मैं मम्मी से एक बार मम्मी मना कर देती है ना मैं क्या पहनू बताओ ना बताओ ना वो पहनना है पहन मैं नहीं बताऊंगी

बट अभी अगर मैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन टफ करूँ कि अभी तक की जर्नी आपने जैसे हैंडल करी है, आगे जाके जब हायर स्टडीज होंगी फर्दर आई मीन में आई थिंक hmm. आप टेंसू कर रहे हो प्लानिंग करना है आपको राइट right? hmm. तो उसके लिए ज्यादा फोकस ज्यादा टाइम तो लगेगा अपग्रेड करने के लिए तब ये वर्क प्लस स्टडी प्रेशर वो कैसे सिचुएशन हैंडल करेंगे एक्चुअली प्रेशर पेरेंट्स की तरफ से नहीं होगा बट स्टडी स्कूल की तरफ से ऑब्वियसली होगा तो मैं मैनेज कर लूंगी क्योंकि वो पेरेंट्स को भी पता है कि मैं मतलब वैसे तो हूँ उतने मार्क्स ले आऊंगी जितनेट है ये वो ना हमारे लिए बड़े बदनाम कि साल के आखिरी में पढ़ेंगे 60, 70 तो ऐसे ही आंख बंद करके आ, ले आएंगे तो मेरा वैसा है बट एक्चुअली मैं फोकस तो करूंगी क्योंकि अभी मैं अपना नाम नहीं डुबाना चाहती कोई भी क्योंकि फिर अगर मेरे मार्क्स कम आएंगे तो सब लोग बोलेंगे बस आ हो गया कर लिया डांस बस, बस पढ़ाई में ऐसी रही तो वो कोई भी नहीं चाहेगा right. तो मेरे पेरेंट्स को भी पता मत कर बदनामी तो तेरी हो रही है वो ये जब बोल देते हैं फिर मेरी नोटबुक खुलती है फिर मैं पढ़ती तो वो नहीं बोलते बदनामी हुई तो क्या बदनामी है तो नाम तो होगा ना कुछ ना कुछ इसमें क्या बड़ी नहीं बात नहीं नहीं इतना पर पढ़ाई तो करनी है Actually. मेरी एक सिस्टर थी एंड वो आई थिंक नाइनटी प्लस लेके आती थी और हम फोर्टीज वाले थे

क्योंकि डांसिंग तो डांसिंग की वजह से ही मैं एक्टिंग में आई हूँ तो अगर मैं डांसिंग छोड़ दूँगी तो वो डांसिंग के साथ थोड़ा धोखा हो जाएगा तो मैं किसी को धोखा नहीं, नहीं, नहीं दे सकती क्योंकि मतलब मैं वैसी हूँ कि मैं किसी के सामने भी अगर कुछ हो मैं बोल नहीं पाऊंगी मैं मतलब पीठ पीछे वैसे बातें करनी नहीं चाहिए बट मैं सामने बोलने को अगर आऊं तो मैं बोल नहीं पाती ये सोच के कि उसे बुरा लग जाएगा तो वैसा है तो डांसिंग की वजह से अगर मैं एक्टिंग में आई हूँ तो मैं डांस करूँगी और एक्चुअली ये दोनों जो करियर्स हैं वो साथ में भी बैलेंस हो सकते हैं

एक्ट्रेस एक्टर्स एज अ जज आते थे तो मुझे अच्छा लगता था कि मैं भी कभी वहाँ जाऊँगी और मुझे अपने परफॉर्मेंसेस में कमेंट्स भी मिले कि मतलब मेरे को एक परफॉर्मेंस में ये भी कमेंट मिल रहा मिला हुआ है सर से कि अगर कोई डायरेक्टर एक फेस ढूँढ रहा है तो वैसा फेस है आपका तो ये मतलब मेरे को अभी भी याद है एक्चुअली ये सारी चीज़ें उसको तीन साल हो चुके हैं सुपर डांसर को बट મેકો યાદ હે અબ્બી ભી અપની પરફોર્મન્સિસ અબ્બી ભી સબ કુછ યાદ હે ક્યોકી સુપર આન્સર ને મારી લાઈફ ચેન્જ કી હે તો વો કમેન્ટસ શાયદ મેરે ઉસ પે મેરે દિલ મે ઇફેક્ટ કર ગયા ઓર એક્ચ્યુઅલી મેરે પેરેન્ટ્સ વો ભી ચાહતે થે કી કુછ કરું ઓર મેરે પેરેન્ટ્સ કી સપોર્ટ કી વજહ સે હી વો મુજે મુંબઈ લાયા ક્યોકી જમ્મુ સે મુંબઈ તક કા સફર બહોત ડિફિકલ્ટ હે બહોત ડિફિકલ્ટ હે વો યે નહીં હે કી આપકો 28 ઘંટે લગતે હે ટ્રેન સે યા 4 ઘંટે લગતે હે ફ્લાઇટ સે वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल है जम्मू से मुंबई आप अगर आ रहे हो तो सौ चीजें सोचनी पड़ती है तो वो जो उन्होंने सोचा तो उसी के आज यहाँ बैठ के आपसे बात कर रही तो, हूँ प्लान भी अगर मान लो ये वर्कआउट नहीं करे गुड रीजन दैट नेक्स्ट थिंग डांसिंग और अगर ये दोनों काम नहीं करें <laughs> राधा कृष्ण बैठ इस टीचर्स Teaching... I mean, sure. तो हमारे चाहने वाले। टीचिंग, आर्ट्स, जो अपने सोची डांसिंग एक्टिंग या इसकॉन जाके राधा राधे जो थर्ड वाला बिल्कुल मेरा तो घाटा you know, नहीं है सामने वाले बट यू का जो एक लाइफस्टाइल है आई मीन लाइक अभी भी आपने देखा होगा यहाँ तक आने के लिए भी आपको काफी सैक्रिफाइसेस करने पड़े पर ये बॉलीवुड लाइफस्टाइल में जो एक्ट्रेसेस की लाइफस्टाइल होती है आपको सिर्फ गुड पार्ट्स पता है बिकॉज़ डिफिकल्टीज भी बहुत सारी होती हैं साइमटेनियसली एक्चुअली डिफिकल्टीज आएंगे सामने तो फेस कर लेंगे डरते नहीं है हम हाँ, जरूर फेस करेंगे थोड़ी प्रॉब्लम्स जरूर होंगी बट हां साथ मिलके जरूर.

एक्चुअली सरप्राइजेस तो है सरप्राइज ये है कि एक सरप्राइज है डांस से रिलेटेड तो वो ट्वेंटी एथ मे के बाद आप सब के सामने अनलॉक हो जाएगा वैसे मैं अभी भी कर देती हूँ रिजल्ट okay. नहीं बता सकती बट एक चीज़ जरूर बता सकती हूँ कि मैं अमेरिकाज़ गाट टैलेंट में गई थी यस एज अ सोलो कंटेस्टेंट तो आगे क्या हुआ वो मैं नहीं बताऊंगी अभी वो आप ट्वेंटी एथ में के बाद ही देख लेना बट हाँ आप सबकी सपोर्ट की, की वजह से मैं अमेरिका गॉट टैलेंट में एज अ सोलो परफॉर्मेंस जा पाई अमेरिका की स्टेज पे ही डांस करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी तो यस yes. एक सरप्राइज तो ये है और एक्टिंग से रिलेटेड सरप्राइज तो बहुत सारे आते ही रहेंगे। जब भी ड्रामे में लड़ाई होगी हम वहाँ मौजूद रहे भले हम सत्युगी हैं लेकिन कलयुग में हम स्टेप करने में वीडोट नहीं एम श्योर अमेरिका में परफॉर्म करने से हम वहाँ के लोग बड़े कल्चरली भी बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं उनका जो लव के लिए वो और कल्चरली साथ में वो आपको एक्सपीरियंस भी हुआ होगा एक्चुअली वहाँ की लाइफ टोटली डिफरेंट है मतलब यहाँ पे अब जिन लोगों को हम नहीं जानते वो पूछेंगे भी नहीं हमसे कौन right. हो वहाँ पे हर सड़क का इतना एक एक इंसान भी हाय हेलो गुड मॉर्निंग करता है मतलब वो चीज़ एक बार हाय अभी हम तो इंडिया में रहते हैं तो बाहर की कंट्री में कोई अगर हमें इतना प्यार दे रहा है तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात से. है वहाँ पे सेट वाले लोग जब मतलब पूरे सेट पे सब लोग थे वो भी बहुत प्यार दे रहे थे तो आ, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा अब आगे देखते हैं और क्या आता है लाइफ में और मैं सबको भी यही कहना चाहूँगी कि बस मेहनत करो और एक चीज़ डिसाइड कर लो कि आपको क्या करनी है सबसे बड़ी बात जब तक आप लोग डिसाइड नहीं करोगे कि आपको क्या करना है तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे और पेरेंट्स के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट करो जैसे मेरे पेरेंट्स मुझे करते हैं क्योंकि आप लोगों के बिना तो वो कुछ नहीं है हम अकेले कितना ही चले जाएंगे Correct. आगे Correct. पीछे किसी का हाथ तो होना ही चाहिए तो वही चीज़ है पेरेंट्स सब अपने बच्चों को सपोर्ट करो और बच्चे उस सपोर्ट का फ़ायदा उठाओ और आगे जाओ जितना जा सकते हो उठा 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 फायदा उठा, 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 उठा हाँ, और सारे पेरेंट्स को ओपन माइंडेड होना भी जरूरी है इतना भी नहीं कि खुली जाओ yes. बट जितना जरूरत है उतना होना जरूरी है जितना मेरा पेरे, जितने मेरे पेरेंट्स हैं Wonderful. Thank you so much for those insights, Arshia. So, अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करो और ऐसी और वीडियोस और ऐसे और पॉडकास्ट देखने के लिए टेली सफर को सब्सक्राइब करो बाय